अमेरिका को भी पता चल चुकी है ये बातें। अमेरिका के सेना प्रमुख माइक मुलन ने सीनेट के सामने इस बात को स्वीकार किया है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है? हाँ, सुना आपने, माइक मुलन ने कहा हाँ। अमेरिका के सेना प्रमुख ने खुद मान लिया कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में जुटा है। अभी उसके पास यूरेनियम आधारित तकरीबन 80 से 100 परमाणु हथियार है। वो जल्द ही प्लूटोनियम पर आधारित आधुनिक परमाणु बम बनाने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बढ़ाना चाहता है पाक अपनी परमाणु क्षमता? कौन है पाकिस्तान के निशाने पर? अमेरिका, चीन या फिर भारत? पहले दो मुल्कों से लड़ाई के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। बचा रह गया हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार जमा कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता का जवाब सुनिए। पाकिस्तान न्यूनतम और भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाहता है। दूसरों के दानों पर पलने वाले परमाणु हथियारों की क्षमता विकसित करने की बात कर रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि अमेरिका उसका राशन पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की यह बेफिक्री पर्दे के पीछे किसी गंभीर गांठगांठ की तरफ इशारा कर रही है। गुलशन रावत के विजय सिंह, IPN 7। सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की अमेरिकी कोशिश हैरानी पैदा करती है। अमेरिका ने अब तक ना तो पाकिस्तान को कोई चेतावनी दी है और ना ही प्रतिबंध की बात की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? एक बार रूसियों को खदेड़ने के लिए पाकिस्तान की आंख मूंदकर मदद की तो 9/11 हुआ। अब तालिबान को खत्म करने की जल्दबाजी में अमेरिका कहीं दूसरी बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहा? पाक बना रहा है परमाणु बम, अमेरिका चुपचाप बैठा है। आरोप है कि अमेरिका से मिलने वाली मदद से पाकिस्तान बना रहा है परमाणु बम, अमेरिका फिर भी शांत है। आखिर इस चुप्पी कहीं कोई साठगांठ तो नहीं? तालिबान के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की एक और कीमत तो नहीं? क्या पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे अमेरिका से कोई डील की है? तालिबान के सफाई की शर्त पर न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता के विकास की अमेरिका ने अनुमति तो नहीं दे दी? ये सब तब हो रहा है जब परमाणु बमों पर तालिबान के कब्जे की गहरी आशंका है। परमाणु हथियार पर कब्जा हो गया तो तालिबान पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अमेरिका फिर भी निश्चिंत है, उसे यकीन है कि पाक में परमाणु हथियार सुरक्षित है। पाकिस्तान में परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित हैं, इन पर तालिबान कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका लाख दावे करे लेकिन वो अच्छी तरह जानता है पाकिस्तान में परमाणु हथियार की सुरक्षा सबसे गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम का बहुत तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया में कहीं भी इतनी तेजी से परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं हो रहा। वहाँ प्रतिवर्ग किलोमीटर में जितने आतंकवादी हैं उस अनुपात में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी आतंक का आकार फैल रहा है, साथ में फैल रहा है पाक का परमाणु कार्यक्रम। मौत के दो खेल साथ साथ चल रहे हैं। स्वात से 100 किलोमीटर दूर प्लूटोनियम आधारित दो परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए ब्लैक मार्केट से सामान भी खरीदा जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ओबामा प्रशासन ने इस पर अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। अमेरिका ने अब तक न तो पाकिस्तान को चेतावनी दी है और न ही कोई प्रतिबंध लगाया। एक अजीबोगरीब खामोशी है और ये खामोशी गहरे शक पैदा करती है। गुलशन रावत के साथ रणविजय सिंह, IBN 7। और यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे दूसरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की। ऐसी मिसाइल जो भारत के लिए बन सकती है खतरा, ये खतरा है अमेरिकी जहाज रोधी मिसाइल हार्पून। भारत के लिए बढ़ गया है खतरा। It can be launched from coastal batteries on land, fixed-wing aircraft, from ships, and even submarines. But that's not all. The US says Pakistan has modified the anti-ship missile to pick land targets, presumably in India. But the greater threat is that it is possible to arm the harpoons with small nuclear weapons.
The US has also accused Pakistan of modifying American-made P-3C aircraft for land attack missions. But with Pakistan's nuclear arsenal expanding faster than any other nation's and Pakistan developing weapons... Sirf drone ya harpoon mein hera pheri hi nahi. Aircraft P-3 Orion ki technique badal kar use fighter plane mein tabdeel karne ka aarop bhi America laga raha hai Pakistan par. To Pak ke missile karyakramon par bhi uski... परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे से तो पाकिस्तान की नीयत में ही अब अमेरिका को खोट नजर आने लगी है। हारपून से हमले की साजिश, लड़ाकू बन गया P-3 ओरियन एयरक्राफ्ट, मिसाइल ताकत भी बढ़ा रहा पाकिस्तान, बढ़ रहा परमाणु हथियारों का भी जखीरा। आतंक से कैसी जंग लड़ रहा पाकिस्तान? आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, या वो अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है? उसका मुकाबला तालिबान से है, या वो जंग की तैयारी में जुटा है? दहशतगर्दों के सफाए को छोड़ के हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है पाकिस्तान? जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की नीयत पर यही सवाल उठाया है अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने। पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिकी मदद का बेजा इस्तेमाल किया है, उससे अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने हारपून मिसाइल में फेर बदल कर उसे डिफेंसिव एंटी शिप मिसाइल से हमलावर मिसाइल बना दिया, उससे पाकिस्तान के करतूतों का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले के पर्दाफाश के बाद साफ हो गया कि पाकिस्तान एक अरसे से ये खेल है। दरअसल अमेरिका एक अरसे से पाकिस्तान को फाइटर प्लेन देने से इनकार करता रहा है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान चोरी छिपे अपने मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया। चीन से चोरी छिपे वो शाहीन और हफ्ते मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ा ही रहा है। अमेरिका से मिले मिसाइलों की तकनीक में भी फेर बदल कर उसे अपना बताने का खो कर रहा है। पाकिस्तान ने यही खेल खेला अमेरिका से मिले P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल में भी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस एयरक्राफ्ट की तकनीक को बदलकर उसके बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ये एयरक्राफ्ट भी रक्षा इस्तेमाल में आता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें फेर बदल कर जमीन पर हमला करने वाला फाइटर प्लेन बना दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने हाल के दिनों में जितनी तेजी से परमाणु हथियारों के जखीरे में भी इजाफा किया है, वो भी चौंकाने वाला है। हाल के दिनों में किसी भी देश ने इतनी तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की। वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान अपने पारंपरिक हथियारों में भी इजाफा करने से नहीं चूक रहा, यानी वो आतंक से जंग नहीं लड़ रहा बल्कि एक बड़ी युद्ध की तैयारी में जुटा नजर आ रहा है। अमेरिका के सामने पाक के इस रवैये की पोल खुल गई है, और अब उसके लिए अमेरिका की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की नजर हर उस हथियार पर है जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, और इसी कड़ी में नाम है ड्रोन का। अमेरिकी एयरफोर्स ने जब ड्रोन के जरिए आतंकियों के किले को नेस्तनाबूद करना शुरू किया तो पाकिस्तान को उसमें दिख गया भारत के खिलाफ नया अचूक हथियार, और उसने इटली की एक कंपनी के साथ सांठगांठ कर ड्रोन की तकनीक हासिल कर ली। ऐसी ही ताकत जुटा रहा है पाकिस्तान, बना रहा है हवा में उड़ने वाला यमदूत, तैयार कर रहा है उड़ने वाली एक ऐसी मशीन जिसकी नजरें चील की तरह पैनी होगी, उड़ान बास की तरह, और निशाना होगा गिर तरह। खासियत ये कि दिन हो या रात, ये विमान कभी भी कर सकता है दुश्मन के ठिकानों पर हमला। रात में भी नजरें उतनी ही पैनी होंगी और निशाना उतना ही अचूक जितना दिन में। ये विमान हवा में उड़ेगा और हमले भी करेगा, लेकिन बिना पायलट के। अमेरिका ने पायलट रहित विमान ड्रोन के जरिए ही तालिबान की कमर तोड़ी है। पाकिस्तान की जमीन पर भी ड्रोन से तालिबानी लड़ाकों पर खूब हमले किए, सफलता भी मिली। शायद ड्रोन की इन्हीं कामयाबियों को देख पाकिस्तान को भी हो गया है ड्रोन मेनिया। पहले अमेरिका से इस विमान की तकनीक मांगी, बड़ी मिन्नतों के बाद भी जब अमेरिका नहीं फंसीजा तो पाकिस्तान ने नया उपाय ठोक लिया। इटली की एक कंपनी से सौदा किया
और शुरू कर दिया ड्रोन बनाना, यानी जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स की थार और पैनी होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दावा किया है कि कामरा के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में मानव रहित जासूसी जहाज यानी ड्रोन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को ये विमान बनाने में मदद कर रही है इटली की कंपनी सिलिक्स गैलीलियो। पाकिस्तानी एयरफोर्स का दावा है कि ड्रोन के शामिल होने से एयरफोर्स की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान जो ड्रोन बना रहा है